नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों 9 बजे अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपने चर्चा करते हैं और आज भी अपने इसी विषय को लेकर ही चर्चा करेंगे। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दें और सारे साथियों से एक निवेदन रहेगा, जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें, ताकि बॉर्डर पे जो हमारे फौजी भाई बैठे हैं उन्हें एक हमारी ओर से सल्यूट बढ़ता ही है। साथियों, टाइटल आपने ऊपर पढ़ लिया है, कुछ साथी इस बात से एग्री नहीं होंगे। बढ़िया रंजीत जी, आप बताओ, कुछ साथी इस बात से आज एग्री नहीं होंगे टाइटल से, क्योंकि आज नरमे में कुछ साथी कहेंगे भैया तेजी नहीं है और कुछ कहेंगे कि तेजी है। वास्तविकता ये है कि साथियों, हालांकि कल के मुकाबले में आज नरमा डाउन है, लेकिन फिर भी बाकी फसलों के मुकाबले सरसों में छोड़ के, बाकी सारी फसलों को छोड़ के कॉटन एक ऐसी फसल है जो तेज बिकी है, यानी कि जिस कदर मंदी रही है उस कदर मंदी नहीं बिकी है और बाकी सारी जो फसलें हमारी लगभग है मंदी बिकी है। राजेश जी मील ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। वर्तमान समय में आज की अगर बात करूं तो, कल की बात करूं तो, परसों की बात करूं तो, 3 दिन से सरसों का बाजार है वो मंदा है, डाउन है। सारे साथियों को इस बात का पता ही है। रीजन साथियों बारिश का है और 2 दिन जो पहले तेजी आई थी उसका है, क्योंकि सोमवार मंगलवार आपको तेजी दे दी, सारे साथियों को लगेगा कि भैया कल भी तेजी आएगी, तो इसी चक्कर में क्या है कि सारे किसान साथी उससे अगले दिन बाजार में सरसों लेके आते, क्योंकि 2 दिन तो हमने इंतजार किया, हाँ ठीक है खूब तेजी है आज अपने लेके चलते हैं, और जिस दिन बाजार में आवाक ज़्यादा हुई उस दिन बाजार डाउन हो गया। अमूमन ये चीज़ें हर बाजार में होती हैं और वही अपने साथ हुआ है। तो सरसों में आपको अगर तेजी लेनी है तो लंबे समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे अनुमान से यही आंकड़ा है कि आप अगर लंबे समय तक इंतज़ार कर सकते हैं तो सरसों में तेजी देखने को मिल सकती है। आज की अगर मैं बाज़ार भाव की बात करूं तो शुरुआत में मैं साथ साथ बाज़ार भाव की चर्चा कर लेता हूं, साथ में तेजी मंदी की चर्चा कर लेते हैं। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दें भाई, क्योंकि आजकल क्या है कि अपने दर्शक हैं वो काफ़ी घटते हुए जा रहे हैं। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं, और जितने साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये भी पूछ रहा हूं, भैया मेरी वीडियो से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो आपको कोई महत्व हो रहा नहीं हो रहा, कमेंट करके ज़रूर बता दो। तो सारे साथी कमेंट ये करते हैं भाई बेनिफिट होता है, लाभ हो रहा है, और आज फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई मेरी वीडियो से आपको कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 100 में से आप कितने नंबर मुझे देना चाहते हो, वो नंबर दे दो ताकि मेरे को पता तो चले जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे वास्तविकता में किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। संग्रिया मंडी की बात करूँ तो जो बिके आज 2457 रुपये, गेहूँ बिकी है 1950 रुपये और सरसों बिकी आपकी 6400 रुपये। कुल मिला के बात करूँ तो संग्रिया मंडी में सरसों मंदी रही है। नौखा मंडी की बात करूं तो इस सब 14,700, जीरा 19,500, मेथी 5350, चना 4400, रायड़ा 6100, तारामीरा 5100, गेहूं 2400 रुपये, मोठ 7800, मूंग 6000, गुवार 4900, बीज 7000 रुपये और तिल 9100। यानी कि गेहूं को छोड़ के सभी फसलें नौखा मंडी की है वो कल परसों के मुकाबले मंदी है। बहुत बढ़िया है जी, 100 में से 100 नंबर दिए, धन्यवाद आपको। लगभग सारी जो फसलें हैं वो मंदी रही है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं को छोड़ के। अगली मंडी अपने साथ साथियों रावड़ा मंडी, रावड़ा मंडी में आज जो सरसों बिकी है वो बिकी है 6500 रुपये और सरसों के अलावा और किसी फसल में कोई बिक्री नहीं हुई है और ओनली एक सरसों बिकी है और मात्र 222 क्विंटल सरसों बिकी है, लाभ है जी, धन्यवाद सर आपका भी। राम राम भाई साहब, सरसों का रीजन चल रहा है, सरसों का ही बता रहा हूँ बड़े भाई, आप जुड़े नए वीडियो में और थोड़ी सी वीडियो लंबी देख लिया करें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। अबोर मंडी की बात करूँ तो चना 4305 रुपये, गेहूँ 1940, सरसों 6035, जो 2305, ये आज के मंडी भाव रहे हैं। कुल मिला के बात करूँ तो इस मंडी में भी किसी प्रकार की कोई तेजी मंदी तेजी नहीं रही है, मंदी तो है ही है,
लेकिन तेजी नहीं रही है। अहलाबाद मंडी की बात करूं तो कालावाड़ी में सरसों बिकी है जी 6,670 रुपये और ग्वार बिके 4,900 रुपये। अरोड़ा साहब ने अपने साथ मंडी भाव शेयर करे हैं, बाकी साथी भी मंडी भाव शेयर कर सकते हैं भाई, जो जो जहाँ से देख रहे हैं। अगली मंडी अपने पास अहलाबाद नरमा बिका है 10,000 रुपये, यानी कि कल के मुकाबले में नरमे में सुधार हुआ है। जाकर साहब कह रहे हैं कि 80%, धन्यवाद सर, 80% भी मैं बहुत अच्छा आंकड़ा मान रहा हूं, क्योंकि जो वर्तमान समय में राजस्थान सीड जो ग्वार का बीज उपलब्ध करवा रही है ना 220 यानी कि 2020 वाला, उसमें भी उनकी जो जर्मिनेशन क्षमताएँ हैं वो 80% है और वो बहुत अच्छा आंकड़ा मान रहे हैं। यार फिर अपने तो कहाँ गलत हैं, अपने तो बहुत अच्छे हैं। फिर तो पवन जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। सरसों में किए जी अहलाबाद में 6,346, चना 4,550 और गेहूँ 1,970 रुपये। रविवार को मूंगफली की बिजाई की हुई है, बारिश का कोई नुकसान नहीं भाई, सिर्फ खरपतवार ज़्यादा होगा, घास ज़्यादा होगा, बाकी कोई नुकसान नहीं। अगली मंडी अपने पास जी पीलीबंगा मंडी। वीर जी मंदी के टाइम लोग लाइव छोड़ जाते हैं, जब तेजी हो तो सब लाइव पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं जी। देखो कम दर्शक देख रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वही देखेगा। अब मैं बात करूं मेरे पेज पे 99,00,000 फॉलोवर्स जा रहे हैं, 99,000, तो 99,000 यानी कि एक दो दिन में हमारा आंकड़ा है वो 1,00,000 फॉलोअर्स का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, मैं सूरतगढ़ आऊँ, 1 क्विंटल बिरयानी चना चाहिए, मिल जाएगा भाई साहब, लेकिन आओ कब आप मेरे को ये बताना। नमस्कार भाई साहब, आप रोज़ पगड़ी बांधा करो, बिल्कुल भाई साहब बांधेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जिन साथियों को ज़रूरत है भाई वही देखेंगे, जाहिर सी बात है। मैंने भी अब सैकड़ों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, सैकड़ों पेज मैंने फॉलो कर रखे हैं, तो सारे चीज़ की सारी वीडियो मैं भी नहीं देख पाता। जो मेरे संबंधित है, जो मेरी ज़रूरत की हैं, वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ, मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो जिनको ज़रूरत है वो देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो से कितने परसेंटेज लाभ हो रहा है वो ज़रूर बताएं साथियों। तो पीलीबंगा में आज सरसों बिकी है जी 6,380 रुपये और गेहूँ बिका 2,031 और ग्वार बिका 4,500 रुपये। रायसेन नगर में आज गेहूँ बिकी आपकी 1,960 रुपये, सरसों बिकी आपकी 5,960 और चना बिका 4,511। चने को छोड़ के लगभग सारी फसलें हैं वो मंदी है भाई जी। मौसम भी बताओ, मौसम बताएंगे सर आप, थोड़ा सा होल्ड रखो, मैं 2-4 मंडियों का मंडी भाव है बता दूं, फिर अपने मौसम पे भी चर्चा कर लेंगे। मेड़ता सिटी की बात करूं तो मूंग बिका 5,700 रुपये, चना 4,340, सुवा 8,200, सौंफ 11,451, जीरा 21,901 रुपये, ग्वार 4,825, रायडा 6,636, तारामीरा 5,225, इसबगोल 14,826, साड़िया 7,200 और नरमा 10,500 रुपये। यानी कि टोटली जो मंडी है वो मंदी की दौर में चल रही है। और जयपुर जो सरसों का भाव 6,950 रुपये और 50 रुपये मंदी है। आपको ध्यान वादे मेरे भाई, आपको गणे धने वादे मेरे भाई, समझा नहीं भाई साहब आपको, ठीक है लगा संदीप जी, धन्यवाद सर आपका। तो जयपुर में 6,950 और 50 रुपये आज मंडी में क्लोज हुआ है सरसों का जो भाव है वो। तो कल रविवार को सरसों की बात करूं तो किसी प्रकार की कोई तेजी मंदी के चांसेस नहीं है, तेजी के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि रविवार के दिन कहीं माल खरीदा बेचा नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी बेचा जाए तो भाई 8 दिन बाद सूरतगढ़ आऊँगा, 8 दिन बाद आओगे तो बता देना, जिस दिन आऊँ उसमें मैं सर्च कर लूँगा। हालांकि जो मेरे पास जो चना था वो मैंने तो बेच दिया, मेरे पास सरसों जरूर पड़ी है लेकिन चना मैंने बेच दिया, तो मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पता करके बता दूंगा। आप मेरे को मैसेज कर देना फेसबुक पे, अपना नंबर लिख के मैसेज कर देना, मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। दिल्ली 6,700 रुपये बिना कुछ तेजी मंदी के साथ, भाई कुछ तेजी होगी क्या? देखो तेजी तो जाने साहब होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब, 100 मण सरसों हमने रोक रखी है, अब आगे क्या करें भाई साहब। मेरे विचार से धर्मपाल भाई साहब तेजी आने की चांसेस हैं, समय लग सकता है लेकिन तेजी कन्फर्म लग सकती है। ग्वार का भाव रायसेन नगर का भाई, जो रायसेन नगर मंडी के मैंने भाव बता दिए जो भी हैं वो सुनील जी आपको देखने पड़ेंगे।
आगरा, शमशाबाद और दिगनेर में सरसों रही है जी 7375 रुपये, बिना किसी तेजी मंदी के साथ। गुरसेवक बराड़ जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। हमारे बारिश कम है जी, चलो होनी चाहिए, मतलब कम ज़्यादा आ जाएगी, अभी मानसून गया नहीं है। उसके बाद है कोटा सलोनी 7375 रुपये, 0 रुपये तेजी मंदी। आगरा बीपी 7200 रुपये, 0 तेजी मंदी। आगरा शारदा 7200 रुपये, 0 तेजी मंदी रही है साथियों। सोयाबीन की बात करो तो सोलापुर 6600 रुपये, 0 तेजी मंदी। लातूर 6600 रुपये, 0 तेजी मंदी। और कसूनर 0 रुपये तेजी मंदी, 6600 रुपये भाव है। और हिंगोली 6600 रुपये भाव है और 0 रुपये तेजी मंदी भाव है। दुलिया की बात करूँ तो 6575 रुपये और 0 रुपये तेजी मंदी रही है। और नंदुरबार की बात करूं तो 6610 रुपये और 0 रुपये तेजी मंदी रही है। जीरे के भाव में बड़े भाई पिछले दो दिनों से तो तेजी नहीं है, मंदी आ रही है, आने वाले समय में तेजी मंदी की संभावना है। सरसों मेरे पास है भाई 500 मिनट, चलो बढ़िया माता जी। चने का भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अगर सूरतगढ़ में नहीं होगा तो राइसनगर बेल्ट में उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि चने का जो बेल्ट है वो राइसनगर बेल्ट ज़्यादा है, तो वहाँ आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा चना, और मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। कुल मिला के बात करूँ तो कल संडे है, संडे को किसी प्रकार की कोई मंडियों में बोली नहीं होगी, तो तेजी मंदी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े तेजी मंदी के चांसेस नहीं है। चने के तेजी के क्या कहले, चने में कोई तेजी का ख्याल नहीं है भाई साहब, चने में किसी प्रकार की कोई तेजी का विचार नहीं है मेरे अनुमान से तो, और अगर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एलनाबाद मंडी के भाई ने भाव शेयर किए हैं, जो भाई जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और भाव दे सकते हैं। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा भाई, साथ के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें, और मेरी वीडियो से लाभ कितने परसेंट हो रहा है वो भी आप हमें बता दिया करो। तो आज काफ़ी मंडियों में बोली नहीं हुई है, क्योंकि उदयपुर कांड को लेके मंडियां बंद रही हैं, इस कारण काफ़ी मंडियों में आज बोली नहीं है। कुछ मंडियां कल बंद थी तो उसके कारण कुछ मंडियों के भाव आज अपने पास नहीं है। आने वाले समय की तेजी मंदी जानने के लिए आप मेरे चैनल से, फेसबुक से जुड़ सकते हो, मंडी भाव जानने के लिए भी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, और खेती किसानी से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आज सिलवणी गांव में सल्फर और जिंक को लेकर एक मीटिंग की गई थी कि किसानों के लिए सल्फर कितनी महत्वपूर्ण है, जिंक कितनी महत्वपूर्ण है, उसके कमी के लक्षण क्या है, कौन सी ज़मीन में कितनी जिंक डालें, कौन सी सल्फर डालें, कितनी डालें, इस विषय को सारी चीज़ों की जो वीडियो थी वो हमने रिकॉर्ड की हैं, और कल रविवार के दिन आपको मिलती रहेगी। आपका लाइव आया आज कल संडे को, बिल्कुल संडे को भी लाइव आएंगे, लेकिन किस विषय पे आएँ वो आप बताओ, अन्यथा फिर हम अपने सोचेंगे किस विषय पे आना है। भाई साहब मैंने भी सरसों रख रखी है, और वर्मी वीडियो क्या हुआ, वर्मी वीडियो भाई साहब मैंने वीडियो डाल दिया, और वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है वर्मी से संबंधित, आप अगर आप पूछना चाहते हो तो मैंने कम्प्लीट जानकारी इस पर दे दी है, वर्मी की कंप्लीट जानकारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है और फेसबुक पे आई है, शायद आपने देखी नहीं, उसी दिन हम लोगों ने 12 बजे वीडियो बना दी थी। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, मिलते हैं सुबह किसी एक नए टॉपिक पे, और सल्फर और जिंक वाली वीडियो रिकॉर्ड हमने कर ली है, वो आपको सुबह रविवार के दिन चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद साथियों।